याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। यहाँ तो चोट लगी हुई ना, आप एक काम करें यहाँ पे ना। वैसे भी अंगूठियां उतारने से कौन सी मंगनियां टूटती हैं? बेटा वो निशा से बहुत मोहब्बत करता है। याद रखिएगा, इसी मान के चक्कर में ना इतनी सी भी इज्जत नहीं मिलेगी अहमद को, उसी के डंके बजेंगे जो असफंद है। तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो 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 कुछ मिशा के पास है। मिशा के जैसा घर, उसके जैसी गाड़ी, उसके जैसे नौकर चाकर, उसी के जैसा लाइफ स्टाइल। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। मामा हम बाहर रेस्टोरेंट भी तो दावत कर सकते थे ना, किंजा आप अभी खुश हो जाते। अरे बेटा किंजा को घर के खाने पसंद है, बाहर के नहीं। और बाहर का फीका सीटा खाना तो उसको वहाँ भी मिल जाता है ना कनाडा में। घर में दावतें करने का जमाना गया। अच्छा तुम जबान चलाने के बजाय हाथ पे चलाओ ताकि काम खत्म हो। ये काम तो रात तक कोई खत्म नहीं होने वाला। अगर अभी हम रेस्टोरेंट में किसी दावत में जा रहे होते हैं या कर रहे होते तो तैयार होकर जा भी चुके होते। अच्छा चलो उठ जाओ, मैं सलाद बना लूंगी, तुम कोई और काम कर लो। थैंक यू सो मच मामी। हले अभी तक कुछ नहीं बना। निशा मुझे बहुत भूख लगी है, दो कबाब तो फ्राई कर दो मुझे। तुमने किचन में गर्मी देखी है, मैं नहीं जा रही। अल्लाह तुम्हें पता है इतना शौक है ऐसे खाना खाने का, नई नई फरमाइशें करता रहता है अम्मी से, आज ये बना दें वो बना दें। क्या करेगा मेरा भाई शादी के बाद, वो तो भूखा मर जाएगा। तुम तो खाने भी बनाना आता। ऐसे ही मर जाएगा भूखा? अहमद खुद बताओ कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैनेज कर सकते हो ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही निशा, लेकिन तब की तब देखेंगे, अभी उठो और बना। मेरा बेटा दो कबाब मुझे दे दो, मैं तल देती हूँ अहमद। नहीं 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 फूफा जान आप रहने दें, मैं आ रही हूँ, मैं तल के दे देती हूँ, तुम बैठो। थैंक यू। दो काफी है। हेलो मीनू, क्या हाल है निशा, क्या हो रहा था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गैस करो क्या करेंगे। जाहिर है तुम्हारी दावतों की तैयारियां चल रही हैं सुबह से, बुरा हाल हो गया पता है। क्या जरूरत है इतना कुछ बनाने की, पता तो है कि ज़ाप पर नहीं खाती है इतना कुछ, एक दो डिशेस बना लेते बस। मामा का बस चले ना तो तुम्हारी वलीमे की दावत करते हैं आज। खैर सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ क्या कर रही हो? बस मैं एसवी के ऑफिस आई हुई थी, हम लोग यहाँ से खाने के लिए निकल रहे हैं। ये क्या हर वक्त तुम लोग बाहर ही घूमते रहते हो, घर में खाना नहीं बनता क्या? असवी को पसंद है ना बाहर जाके खाना खाना, और तुम्हें पता है उनको आउटिंग का भी बहुत शौक है इसलिए। और यहाँ एक अहमर है, इसको तो सिर्फ घर का ही खाना पसंद है, बहुत ही पेनिंग है। घर के खाने तो मुझे भी बहुत पसंद है निशा, लेकिन अब असवी को पसंद है तो इसलिए मुझे जाना पड़ता है। अल्लाह भी ना पता नहीं कहाँ के जोड़े कहाँ जोड़ देता है। जी मैडम। बस अच्छा निशा मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ ठीक है? जाहिर है अब हमें कहाँ लिफ्ट कराओगी, जाओ बाय। बुलाया आपने? हाँ बेटा, तो देखो कुछ कपड़े निकाले हैं, वो किंजा और असवन को कपड़े देने ना, तो बताओ इनमें से कौन सा दूँ, कौन सा अच्छा है। अपनी मीनू को तो मैं कुछ भी दे दूंगी। मामा किंजा आप ही कहाँ पहनती हैं इस तरह के कपड़े, वो तो सिर्फ साड़ियाँ पहनती हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव, आपको नहीं पता क्या? बेटा हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से ही देंगे ना। अब जब अमीर लोगों में रिश्ता जोड़ ही लिया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। और असन भाई को क्या गिफ्ट कर रही हैं? ये क्या हो गया मामा आपको, ये तो उनके स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, ख्याल करें ना थोड़ा। बस तुमसे तो मशवरा करना ही बेकार है, खामखा परेशान कर दिया मुझे। अब इसमें परेशानी की क्या बात है, चाह कर ले आए। अब वक्त कहाँ है लाने का, मैडम मैं ले ना आती अब तक। तो मैं ले आती हूँ, अहमद के साथ जाके ले आऊँ, आप परेशान मत हो ना, मैं ले आती ठीक है? चलो ये ठीक है। बस एक बात बताओ, इतनी मारा मारी मेरे लिए तो कभी की नहीं जितनी असवंत भाई के लिए कर रही हूँ। तो वो असवंत भाई है और तुम क्या खामोशी से चल नहीं सकते? एक बात सुनो, अगर कुछ पसंद ना आया तो हम जा रहे हैं, और वेट नहीं करूंगा, चलो। तो अभी कहाँ जाना है? फ्लाइट देखो। खाना तो बहुत जबरदस्त है, मजा आ गया।
वाकई पसंद आया तुम्हें? बस मेरी मेहनत वसूल हो गई। यकीनन मिश्रा के हाथ में भी बहुत जायका होगा। अरे हाँ, मेरी मिश्रा तो बहुत अच्छा खाना पकाती है। इसने अभी तक तुम लोगों को खिलाया नहीं अपने हाथ का खाना पका के? अभी तो शादी हुई है, अभी कैसे किचन में जा सकती है? मुझे तो लगता है कि असली मुझे कभी नहीं काम करने देगी। निशा के हाथ में भी बहुत जायका होगा आई एम श्योर। नहीं, मुझे ज्यादा शौक नहीं है खाना बनाने का, इसे घूमने फिरने का शौक है ज्यादा। अच्छा, घूमने फिरने से याद आया, अगले हफ्ते ये लोग हनीमून पे जा रहे हैं। अच्छा, वैसे निशा तुमने बताया नहीं, कहाँ जा रही हो? अभी तो यूरोप का प्लान किया है एसपी ने, है ना? कम से कम तुम्हें एक घंटा हो गया अपनी टांगों को तकलीफ देते हुए, किस चीज की फिक्र लगी हुई है? चल के अंदर बैठो। मैंने आपको कहा था मैं वॉक कर रहा हूँ, अब इस पर भी पाबंदी? तुम दोनों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? अपनी मर्जी के मालिक हो, और उसका तो जब दिल चाहेगा तभी वापस आएगी, है ना? मतलब आपको ये लगता है मैं वॉक नहीं कर रहा, मैं निशा का वेट कर रहा हूँ? तो और क्या फिक्र लगी हुई है तुम्हें? अगर वो तुम्हें इतना याद आ रही है ना, तो उसको जाके वापस लेके आ जाओ। और वैसे भी वो लड़की मुझे समझ में नहीं आती है, घर पे इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और जाके मिशा के घर बैठ गई है, पता नहीं उसके घर वाले क्या सोचते होंगे। हे बाबा रिलैक्स, मैं बैठने लगा, ये ले, ये मैं बैठ गया, यही चाहती थी आप? तो आज हारिस और उसकी वाइफ से मिल गया, तो मैं बहुत अच्छा लगता है। हाँ? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही रिफाइंड लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय निशा, कैसी हो? कैसी हो? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले फोन का मैसेज ही कर देती, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो असली के फ्रेंड के घर पे डिनर है, वहाँ जा रहे हैं। ओह अच्छा, तो फिर मैं बाद में आ जाऊँगी, तुम भी चलो ना, असली बोले ना इसको हमारे साथ चले। नहीं मीनू, कैसी बातें कर रही हो, तुम लोग इनवाइटेड हो, मैं जाके क्या करूँगी, मैं बाद में आ जाऊँगी। अच्छा नहीं ना, तुम बैठो, वैसे भी आंखें जाप आने वाली हैं, शॉपिंग पे गई भी थोड़ी देर तक आ जाए। मुझे कोई मसला नहीं है मीनू, मैं कल आ सकती हूँ। ज्यादा बातें मत करो ठीक है, अंदर जाके बैठो, साबरा को बोलो तुम्हें कुछ बहुत मजे का बना के खिलाए, ठीक है? हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलो ब्रो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप उसको बोल सकती थी ना जाने के लिए हमारे साथ? मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो खुद कह रही थी उससे नहीं जाना, कहती है तो अभी कह देता। पर फिर भी अब लेट हो रहा है, चले। अरे दुल्हन बेगम, आप गई नहीं अभी तक? लुची आप हैं, मैं समझी हमारी दुल्हन बेगम, आप कब आई? मैं बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा अच्छा, आप बैठे हैं, आप ये बताएं कॉफी पियेंगी चाय? कॉफी? चलिए सही, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। जी Thank you.
तुम्हारी जो टेंशन है ना वो आ गई है। मीनू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं सुन रही हूँ, बोला। तुम नहीं सुन रही, तुम अभी भी निशा के बारे में सोच रही हो। वो पहुंच जाएगी घर, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? इतना टाइम हो गया है और अहमद बिला वजह नहीं परेशान हो रहा। फिलहाल तुम बिला वजह परेशान हो रही हो और साथ साथ मुझे भी कर रही हो। मैं परेशान नहीं कर रही हूँ आपको, मैं तो बस किंजा आपा को फोन कर रही हूँ। देखो, तुमने अहमद को कहा था कि निशा जब घर आ जाए तो वो तुम्हें मैसेज कर दे। जी। तुम्हारा मैसेज आया, देखना वही होगा। निशा कहाँ थी तुम? मैंने मिन्नू के घर भी कॉल की, वो लोग तो घर पर नहीं है, तो तुम कहाँ थी? मेरी चौकीदारी करने के अलावा कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? मैं फिक्रमंद हो रहा था और ऊपर से तुम फोन नहीं उठा रही थी। अब आ गई ना मैं घर, तुम्हारी फिक्र खत्म, अब जाओ। लेकिन तुम थी कहाँ? 11 बज रहे हैं। आराम से अहमद, मेरे शौहर बनने की जरूरत नहीं है और आइंदा ये फजूल सवाल जवाब मत करना मेरे साथ। क्या मतलब सवाल जवाब ना करना? जो तुमसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा उसका जवाब दो। क्यों जवाब दूँ? कहाँ थे तुम? मेरे माँ बाप जिंदा हैं अभी, सारे सवालों के जवाब मैं उन्हीं को दूंगी, तुम्हें नहीं। मुझे भी पूरा हक है हर सवाल पूछने का और मैं पूछूंगा सवाल। कौन सा हक? क्या हो गया तुम्हें? ये टिपिकल मिडिल क्लास मर्दों की तरह ना मुझसे सवाल जवाब और इन्वेस्टिगेशन मत किया करो अहमद। ये तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? पहले तो तुम्हें ये मेरी इन्वेस्टिगेशन कभी बुरी नहीं लगती थी, पर अब? पहले नहीं लगती थी लेकिन अब लगती है। जाओ जाओ अहमद, मुझे सोना है यार, जाओ। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बड़ी फिक्र हो रही थी मेरी, इंतजार कर रहा था मेरा। शादी से पहले इसका ये हाल है, शादी के बाद तो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। अहमद जैसे मर्दों का मसला ही है, ना खुद खुश होते हैं और ना दूसरों को खुश होने देते हैं। उन्होंने तो मीनू पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। पर्दे बंद करो, बहुत जोर की धूप आ रही है यार। असफी, ये मैंने आपको जगाने के लिए ही खोले। अरे मुझे सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, स्पेशली जब ऑफिस ना जाना हो। असफी आप कुछ भूल रहे हैं,
आज फ्लाइट है आपा की। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। आपको तो आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक कह रही हो, तुम्हारे सिवा सब भूल चुका हूँ। बातें बनाना तो कोई ऐसा यार से सीखे। और पागल बनाना जाए जाके चेंज कर। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स, ओफ जल्दी। निशा तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। प्लीज अहमद। अरे सॉरी ना, मुझे रात को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बस कुछ ज्यादा रूड हो गया। तुम्हें पता है अहमद, तुम जैसे मर्दों का मसला क्या है, उन्हें अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो समझते हैं कि अगर औरत पे पाबंदी लगाएंगे तो वो मर्द बन जाएंगे, इसीलिए वो उनके खाने पे, पीने पे, उठने पे, आने जाने पे, हर चीज पे पाबंदी लगाना पसंद करते हैं। मैं दोबारा झगड़ा करना नहीं चाहता, वैसे भी एक दो दिन में हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह अच्छी यादें लेके जाना चाहता हूँ। अहमद, अच्छी यादों के साथ ये खुशफहमी अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलूंगी। मेरी हर बात का गलत मतलब ले रही, तुम्हें मेरी बातों में पाबंदी नजर आती है, तंग जहनी नजर आती है, मेरी मोहब्बत और फिक्र नजर नहीं आती। चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है मैंने कभी चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मुझे लगता है कि चूड़ियाँ पहनने से मैं कैद हो जाती हूँ और कैद होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन रिंग है, और क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ये रिंग दोबारा मत पहनना। अहमद, मैंने तुम्हें अभी अभी कहा है कि मुझे अपने इशारे पर चलाने की कोशिश मत करना। क्या बेवकूफी है निशा, उतारो इसे। तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सब समझ रहा, छोड़ तो तुम मुझे रही हो निशा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना सब जानता हूँ, पीछे हट रही हो तुम। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो बाकी पीछे हट जाओ। क्या पीछे हटोगी तुम? छोड़ोगी मुझे तुम? हाँ छोड़ दूंगी, नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो अहमद। तो किससे करना चाहती हो ये बता दो। किसी से भी करूंगी लेकिन तुमसे नहीं करूंगी। ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो, मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। देखता हूँ कैसे खत्म करती हो ये रिश्ता, तो जान ले लूंगा तुम्हारी। जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, बताओ बताओ मुझे। निशा तुम अपनी हद से बढ़ रही हो और मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। क्या फजूल बात कर रही है, होश में हो तुम? मैं होश में हूँ लेकिन यहाँ जो आप लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं ना उससे कभी पूरा नहीं होगा। शादी नहीं करूंगी मैं अहमद से। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। अम्मी मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हो गया है, पता है जितनी देर से निकाह होगा ना पेपर्स भी उतनी देर से आएंगे, अगर अभी से निकाह हो जाएगा तो अहमद पे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अरे बेटा पढ़नी तो है आज या कल। आपको अपनी परवाह नहीं है लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र है। क्या फिक्र है तुम्हें? अम्मी अहमद बहुत सेल्फिश है, जब उसकी शादी हो जाएगी अपनी बीवी को लेकर उड़न छू हो जाएगा और आप अकेली रह जाएंगे। रह लूंगी बेटा, अकेली भी रह लूंगी, अब अपने बच्चों के खुशियों के बीच में आड़े तो नहीं आ सकती ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इतनी दवाइयाँ खाती हैं, कम से कम मैं आपको अकेला
मम्मी क्या हुआ? पता नहीं कुछ दिल घबरा रहा है। मम्मी ये ले पानी पिया। अहमर कहाँ चला गया? अहमर साहब नाश्ता। अम्मी चले मेरे साथ चले अभी और इसी वक्त। कहाँ भाई? सजीला फूफा और फूफा जान से मेरी शादी की डेट फिक्स करनी। सही कह रही हैं तो उरा भाभी सजीला, निशा को समझाना चाहिए। हाँ तो इतनी दफा तो समझाया मैंने उसे कि वहाँ बार बार जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों बहनों ने हमेशा साथ साथ वक्त गुजारा है, साथ ही उठना बैठना आना जाना, तो अब आदत पड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? आप यही समझ रहे मेरा दिमाग खराब है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो करें। ठीक है मगर नई नई रिश्तेदारी है, ख्याल रखना पड़ेगा। प्लीज अम्मी चले ना चले। पता नहीं क्या हो गया इसे, कह रहे अभी और इसी वक्त शादी की डेट फिक्स कर। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं भी मैं इतना तुम टेंशन ले रही हो। हमेशा खुश रहो और अल्लाह तुम दोनों को हमेशा नजरे बद से बचा कर रखे। आमीन। आप फिक्र मत करें, हम हमेशा इसी तरह खुश रहेंगे। तुम बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की हो मीनू, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम हर किस्म के रिश्ते को टैकल कर लोगी। लेकिन असफी जो है ना वो पूरी जिंदगी अकेला रहा है, इस वजह से कुछ रिश्तों को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। आप परेशान मत हो, मैं असफी को सिखा दूंगी कि रिश्तों को किस तरह संभाल के रखा जाता है। मुझे पता है कि तुम उसको सब सिखा दोगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम अपना भी तो कुछ ख्याल करो। मैं हमेशा देखती हूँ कि तुम सबकी केयर कर रही होती सिवाय अपने। आप लोग हैं तो मेरा ख्याल रखने के लिए। वो बात सही है, लेकिन फिर भी अपनी पसंद और नापसंद का भी तो ख्याल करो ना, कुछ जरा बन सवर के तो रहा करो। आप जानती तो है अपने भाई को। हाँ ठीक है, हर शोहर जो वो चाहता है कि उसकी बीवी उसके रंग में रंग जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अपनी मर्जी करनी चाहिए। अच्छा अब आप बातें छोड़ें और चेंज कर लें, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूं। अच्छा एक मिनट रुको बैठो। ये मैं तुम्हें खास तौर पे आज प्रेजेंट कर रही हूँ, ये मम्मी ने मुझे दिए थे और आज मैं ये तुम्हें पहना रही हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत है। एक खूबसूरत सी दुल्हन के लिए। मैं हमेशा इन्हें संभाल के रखूंगी। जाओ अब नाश्ता बनाओ। अब जल्दी से चेंज कर लें। चलो 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 जल्दी से मुंह खोलो, ये लो और बहुत बहुत मुबारक हो। भाई तुम्हारी और अहमद की डेट फिक्स हो गई है अगले संडे। और खिलाओ। नाहक परेशान हुई थी तुम मिशा की शादी के वक्त ही, सब कुछ अच्छा हो गया था। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, अब भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ लेकिन मीनू की शादी में जैसे हमने खर्च किया था वैसे तो नहीं कर सकते ना, अभी अभी तो उसकी शादी की है। मीनू की शादी से ज्यादा खर्चा करूंगा तो बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। अरे इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, हर काम सादगी से भी तो हो सकता है।
अरे भाभी, ये निशा की शादी है, आप तो जानते हैं कितनी प्लानिंग कर रखी है उसने। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम लोगों पर इतना बोझ तो नहीं डालूंगी ना। अपनी चादर देख के पांव फैलाओ। समझा क्या है आपने मुझे बाबा? मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ जिसे आपका जब दिल चाहेगा उठा के किसी को भी दे देंगे? हाँ? क्या फजूल बात कर रही है, होश में हो तुम? मैं होश में हूँ, लेकिन यहाँ जो आप लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं ना, उससे कभी पूरा नहीं होने वाला। शादी नहीं करूंगी मैं अहमद से। बकवास बंद करो तुम। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बाबा, मैं अहमद से शादी नहीं करूंगी। क्या बदतमीजी, बड़े छोटे का लिहाज भी भूल गए तुम? ये ले अपना सामान। और रिश्ते के लिए मैं मना कर चुकी हूँ, नहीं करूंगी मैं शादी। इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम कि बड़ों के सामने खड़े होके उनके फैसलों को रद्द कर सको? बुद्धि से जबान खींच लो तुम्हारी। क्या हो गया है भाई साहब, जवान लड़की पर हाथ उठाएंगे आप? अगर जबान हद से ज्यादा लंबी हो जाए ना तो हाथ उठाना पड़ता है। अहमर ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, तुम्हारी शादी इसी हफ्ते अहमर से होगी। सुना तुमने? शर्म कर लो यार, क्या क्या करूंगा अकेला। ये तो तुम्हें शादी फिक्स करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी शादी के चक्कर में हम अपने बॉस को चक्कर दें, तुम्हें मालूम है कि क्लोथिंग डेज भी चल रहे हैं। बहुत अच्छे, बस इसी दिन के लिए तुम लोगों को दोस्त बनाया था, अब वक्त पड़ा है तो संभाल रहे। छोड़ो यार, क्यों तंग कर रहे हो मेरे मुन्ने को? एक ही तो दोस्त है हमारा जिसकी लव मैरिज होने जा रही है। हाँ ना, जिसे चाह उसे पाने जा रहा, और वो भी इतनी फिल्मी सिचुएशन के साथ। हमें तो कहा था कि अपने कजन की शादी में जा रहे हो, और यहाँ भाई साहब अपनी शादी कर रहे हैं। वैसे भाभी दिखने में कैसी हैं? मेरा मतलब बाय नेचर। समझते क्या हो तुम खुद को? जो तुम चाहोगे वही होगा बस। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों? मैं गुस्से में क्यों? तुम्हें नहीं पता मैं गुस्से में क्यों? मैं तुम लोगों से बाद में माफ करता हूँ। पता, जब मैं पहले कैनेडा वापस जा रही होती थी, मेरा दिल भारी हो रहा था अस्की को अकेले छोड़ते हुए। लेकिन अब मैं सुकून का सांस ले सकती हूँ कि उसको इतनी अच्छी प्यार करने वाली बीवी मिली है। और अगर तुमने इसको तंग किया ना, तो मैं तुम्हारे इतना कान खींचूंगी कि बचपन याद आ जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आपको फोन कर दूँ। चलें प्लीज, हम लेट हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, लेट्स गो। साबरा, मेरा कमरा लॉक कर दिया था ना? जी बीबी। रमजान, ख्याल रखना, ठीक है? मीनू, तुम आगे बैठ जाओ। आप मुझे कीज़ दे दे, मैं कार चला। अल्लाह हाफिज बाजी। हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। दुल्हन बेगम, अल्लाह हाफिज। नहीं आ रहा मेरी समझ में, नहीं आ रहा है सजीला बेगम कि किस किस्म की माँ हो तुम। तुम्हें ये नजर आ गया कि हम अपनी बेटी के सामने साफ ज्यादती कर रहे हैं? तुम्हें ये नजर नहीं आया कि उसकी आंखों में बगावत उतरी हुई है? वो वजह तुम्हारी समझ में नहीं आई जिसकी वजह से उसने मुंह फाड़ के सबके सामने इनकार कर दिया? जब बस करें, हम गुस्सा करेंगे इतना तो तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें तबीयत की फिक्र हो रही है? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। दो कौड़ी की इज्जत रह गई है तुम्हारी तुम्हारे खानदान में, और मेरी मेरे खानदान में। सारी दुनिया के सामने बदनाम हो गए। मेरी बात अच्छी तरह सुनो सजीना, हाथों से निकल रही है तुम्हारी बेटी, लगामें डालो उस पर वरना सर पकड़ के रोगी तुम। Thank you.
निशा तुम देख रही थी ना मैं दोस्त से बात कर रहा था, तो क्या जरूरत थी तमाशा लगाने की? तमाशा मैंने लगाया या तुमने तमाशा लगाया? और जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की नहीं है। अच्छा तो किसकी परवाह है तुम्हें फिर? ये सब कुछ तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो ना? तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, समझी? जवाब नहीं दोगे मेरी बात का? नहीं, जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। बताओ बताओ मुझे। निशा तुम अपनी हद से बढ़ रही हो और मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ कि मैं तुमसे शादी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं करूंगी। इस शादी से तुम इनकार करोगे। अच्छा किया था ना तुमने इनकार, क्या मिला तुम्हें सबके सामने इनकार करने से? अहमद मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने इस निकाह से इनकार नहीं किया तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। अच्छा घर से भाग जाओ और कहाँ जाओगी? पर आखिर मुझे भी तो पता चले ये कौन है जिसने तुम्हारी आंखों से मेरी मोहब्बत छीन कर ये नफरत भर दी। बोलो बताओ मुझे कौन है? घर से भाग जाओ और कहां जाओगी? पर आखिर मुझे भी तो पता चले ये कौन है जिसने तुम्हारी आंखों से मेरी मोहब्बत छीन कर ये नफरत भर दी। बोलो बताओ मुझे कौन है? इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम अभी कि बड़ों के सामने खड़े होके उनके फैसलों को रद्द कर सको? खुद से जबान खींच लो तुम्हारी। कैसी बेटा? सब खैर तो है ना? प्रीति एमरजेंसी में मैसेज करके क्यों बुलाया मुझे? सब खैर खराफियत है, बस तुम दोनों से मिलने को दिल चाह रहा था इसलिए बुला लिया। तो आप आ जाती ना, मैसेज कर देती, मैं ड्राइवर को भेज देती। नहीं ना, तुम लोगों का आना जरूरी था। खुशखबरी है, निशा और अहमर की शादी की तारीख तय कर दी हम लोगों ने। ये तो बहुत अच्छी खबर है मामा। तो बेटा बस अब इसलिए मैंने बुलाया कि तुम ही को सब कुछ करना है। आप बेफिक्र हो बेटा, तुम खड़े क्यों, बैठो ना। जी जी थैंक यू, सब हो जाएगा। मैं बस अब याद नहीं, तुम दोनों बैठो, तुम बल्कि मेरे साथ आ जाओ। इधर जबान हद से ज्यादा लंबी हो जाए ना तो हाथ उठाना पड़ता है। अहमर ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, तुम्हारी शादी इसी हफ्ते अहमर से होगी, सुना तुमने? मामा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या है ऐसा। ठीक है निशा भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये रिश्ता खत्म करने की बात कहाँ से आ गई है? अरे बेटा दोनों ही आपस से बाहर हुए चले जा रहे हैं। अहमद ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर इस हफ्ते शादी नहीं हुई तो ये रिश्ता ही खत्म कर देगा। अहमद ने भी ऐसा कहा? हाँ दोनों बेहद गुस्सैल है, क्या करूँ इसीलिए तो परेशान हूँ। अभी से इन दोनों का ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? मामा परेशान मत, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बेटा तुम ही समझाओ ना, मैंने तो हर तरह से बात करके देख लिया, कुछ असर नहीं होता। आप परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ अहमद से भी और निशा से, ठीक है? ठीक है। कहाँ थी निशा? छत पर। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम क्या मेरे जले पे नमक छिड़कने आई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो लगा तुम खुशी से नाच रही होगी, जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। और हाँ अगर जो तुम मुझे यहाँ पे मनाने के लिए आई हो ना तो एक बात सुन लो, मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगी। कौन जबरदस्ती कर सकता है हमारी निशा के साथ? हाँ और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों फिक्र करती हो? चलो लॉन में चल के बातें करते। असफी आप भी आ जाए ना।
नहीं, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। नीनू तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं कर दूंगी। अब बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे और अहमद के बीच में? तुम दोनों तो एक दूसरे को इतना पसंद करते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं अहमद जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ, वो मुझसे बहुत डिफरेंट है। मसलन कंजर्वेटिव है, वो टिपिकल मर्द है। मुझे नहीं लगता कि वो कंजर्वेटिव इंसान है, मुझे ये जरूर लगता है कि वो बहुत पजेसिव है तुम्हें लेकर। निशा जो भी है, निशा ऐसा लाइफ पार्टनर तो दूर की बात है, मुझे ऐसे मर्द भी नहीं पसंद। तो फिर कैसे लाइफ पार्टनर पसंद है आपको? मुझे अरे असमान चला गया क्या? मामा बस अभी निकले। ओह तो रोक लेती ना, सुबह चला जाता। हाँ आपको पता तो है उनके नेचर में ही नहीं है, वो कभी नहीं रुकेंगे। अच्छा आओ, तुम तो आओ। आ जाओ, तुम भी चाय पियो हमारे साथ। जी ठीक है आपा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दें एड्रेस सेंड। ठीक है, ओके दाफेस। ये लो भाई तुम्हारा काम तो हो गया, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दिया। ठीक है, थैंक यू। वैसे तुम्हें निशा के लिए इतना महंगा ड्रेस लेने की क्या जरूरत है अमर? वो कोई भी फरमाइश करेगी और तुम पूरी करने पहुंच जाओगे। हाँ हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम जानती हो तुम्हारी शादी पे बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस मांगा था उसने और मैंने वादा किया था कि लेके दूंगा। अरे तुम जानते तो हो निशा को, उसे हर चमकती चीज सोना लगती है, पर तुम तो समझदार हो। तो क्या करूं, वादा किया था उससे और उसको यकीन था मैं लेकर दूंगा, इसलिए अब तुम दुआ करो कि मैं जा रहा हूँ, लेट हूँ, जोड़ा मिल जाए। मिल जाएगा। खुदा हाफिज। सेना